एक पैन में एक चम्मच घी डालेंगे, गरम करते हैं उसको। और जब ये घी गरम हो जाएगा, थोड़े से मूंगफली के दाने डाल के उसको हल्का सा फ्राई करेंगे हम। और जब ये मूंगफली के दाने हल्के से फ्राई हो जाएंगे, हम इसमें डाल देंगे जीरा, एक हरी मिर्च कटी हुई, थोड़े से करी पत्ते, फ्राई करेंगे। और जब ये सब फ्राई हो जाएगा, एक उबला आलू डाल देंगे। और इसी के साथ ही थोड़ी सी हरी मटर, ऑप्शनल है, डाल देंगे। और इसको मैं थोड़ी देर ऐसे ही घी में फ्राई करूंगी, लगभग 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में। और अब मैं इसके ऊपर नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इसको मैं 2 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसमें साबूदाना मिला दूंगी। मैंने यहाँ पे 1 कप साबूदाना भिगोया हुआ था, इसको हमने 5 से 6 घंटे के लिए सोख करके रखा हुआ था, काफी सॉफ्ट है। डाल देंगे इसको, मिला देंगे। मैं इसको लो फ्लेम में लगभग 10 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर वो डाल दूंगी। नमक हमने पहले ही मिला दिया था, तो नमक की जरूरत नहीं है, आप टेस्ट करके भी देख सकते हैं। अगर नमक कम लगे तो आप मिला सकते हैं। अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया मिला दूंगी, इसको मिला देंगे। और इसको मैं 2 मिनट के लिए और ऐसे ही पकाऊंगी, उसके बाद इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये हमारी खिली खिली साबूदाने की खिचड़ी रेडी है, इसको हम सर्व कर लेंगे। और ये हमारी खिली खिली खिचड़ी रेडी है। आप लोग ही घर पे ट्राई करिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सबसे पहले 2 टेबल स्पून चिया सीड्स, इसको मैं 1/2 कप दूध में भिगो दूंगी। इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही सोक होने देते हैं, लगभग 15 मिनट के लिए। कढ़ाई में मैं लगभग 400 ml दूध डाल दूंगी। इसको बॉईल करते हैं। और जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है, हम कस्टर्ड का पेस्ट बना लेते हैं। 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर, इसमें मैं थोड़ा सा दूध डालूंगी। मैं यहाँ पर ठंडा दूध यूज़ कर रही हूँ। मिला लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेंगे। मेक श्योर कि इसमें कोई लम्स ना हो। पेस्ट बन गया है कस्टर्ड का। और जब ये दूध गर्म होने लगेगा, मैं इसमें चीनी डाल दूंगी। मैं यहाँ पे 4 छोटी चम्मच चीनी का यूज कर रही हूँ। मिला देंगे और इसको हम थोड़ी देर और बॉईल करते हैं। दूध को हमें हल्का सा गाढ़ा करना है। जब ये दूध बॉईल हो जाएगा अच्छे से, तब मैं इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो ये पेस्ट बनाया था वो डाल दूंगी। और इसको मिलाते रहेंगे। और इसको मैं फिर से 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब ये दूध हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हमने जो ये चिया सीड्स भिगोए थे दूध में, ये अच्छे से सोक हो चुके हैं। अब हम इसको कस्टर्ड में डाल देंगे।
मिला देंगे इसको अच्छे से, और इसको हमें बॉईल करना है। एक बार जब ये बॉईल हो जाएगा उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। अच्छे से बॉईल हो चुका है और दूध देखिए ये भी गाढ़ा हो गया है काफी। हम और ज्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको हम ठंडा होने देते हैं। ये कस्टर्ड हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें फ्रूट मिला दूंगी, एक कटा हुआ केला, एक कटा हुआ सेब, कटे हुए काजू और कटे हुए बादाम मिला देंगे इसको। इसको हम ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर इसको फ्रिज में हम आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। इसको फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए ठंडा करने के लिए। हम इसको देख लेते हैं, आधे घंटे के बाद कस्टर्ड ही ठंडा हो गया है, इसको हम सर्व कर लेंगे। और इसकी गार्निशिंग मैं काजू बादाम से कर दूंगी। और ये हमारा हेल्दी एंड टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड रेडी है चिया सीड्स के साथ। आप लोग ही घर पे ट्राई करिएगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैंने दो चुकंदर लिए हुए जिसको मैं वॉश कर लिया है, इसको हम छील लेंगे। इसको कद्दूकस कर लेंगे। चुकंदर को कद्दूकस कर लिया है, अब हम शुरुआत करते हैं। एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे, इसमें थोड़े से काजू कटे हुए, थोड़े से बादाम, इसको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो चुके हैं, मैं निकाल लेती हूँ उसको। सेम पैन में मैं आधी चम्मच घी और ले रही हूँ, गरम करते हैं इसको। और इसी के साथ जो हमने कद्दूकस किया हुआ ये चुकंदर था वो मैं डाल दूंगी। इसको हम थोड़ी देर घी में फ्राई करेंगे ताकि जो चुकंदर की जो रॉ स्मेल होती है वो चले। मैं इसको दूसरे गैस पे रख दूंगी और इसको लगभग 5 मिनट के लिए हम ऐसे ही फ्राई करेंगे। और एक दूसरे बर्तन में मैं यहाँ पे लगभग आधा लीटर फुल क्रीम दूध का यूज कर रही हूँ। बॉईल करते हैं इसको, दूध को हमें बॉईल करते रहना है। जब ये दूध बॉईल होने लगेगा तो जो हमने दूसरे पैन में चुकंदर रखा था अभी हमने फ्राई कर लिया है लगभग 5 मिनट तक, इसकी जो रॉ स्मेल होती है वो चली गई है। अब मैं इसे दूध में डाल दूंगी। मिला देते हैं, और मैं इसी के साथ यहाँ पे 3 चम्मच चीनी मिला रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मिला देंगे और इसको कॉन्टिन्यूसली पकाते रहेंगे लगभग 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम में। बीच बीच में इसको हम चलाते भी रहेंगे ताकि नीचे पैन में लगे ना। अब ये जो दूध है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगा है, मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी थोड़ा सा, और इसी के साथ जो हमने काजू और बादाम फ्राई किए थे वो डाल देंगे। मिला देते हैं और इसको मैं 5 मिनट के लिए और ऐसे ही पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। तो
ये जो दूध था काफी गाढ़ा हो चुका है और हमारी ये खीर अब रेडी है। मैं गैस बंद कर दूंगी और इसको सर्व कर लेंगे। और ये हमारी चुकंदर की खीर रेडी है। आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्रत वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 6 उबले आलू लिए हुए हैं और मूंगफली के दाने। एक पैन में थोड़ा सा घी डालेंगे। जब घी गर्म हो जाएगा मूंगफली के दाने डाल देंगे। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, कर देंगे, इसको निकाल लेते हैं। सेम कढ़ाई में 2 चम्मच घी डालेंगे, गरम करते हैं। घी जब गरम हो जाएगा जीरा और 2 हरी मिर्च कटी हुई डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के बाद जो हमारे पास उबले हुए आलू थे उनको हमने हाथ से तोड़ लिया है, वो डाल देंगे। और इसी के साथ ही सेंधा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, काली मिर्च पाउडर मिला देंगे। और इसको हमें ऐसे ही लगभग 2 मिनट तक फ्राई करते रहना है। इसको 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमने जो मूंगफली के दाने फ्राई किए हुए हैं वो हम डाल देंगे, मिला देंगे। और इसको मैं फिर से लगभग 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूंगी। मैं इसमें हरी धनिया मिला दूंगी कटी हुई, मिला देते हैं इसको। हमने अच्छे से मिला दिया है और ये हमारी व्रत वाली सब्जी जो है रेडी है। मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और इसको सर्व कर लेंगे। और ये हमारी टेस्टी आलू फ्राई रेडी है। आप लोग घर पे ट्राई करिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्रत वाले आलू बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 बॉयल आलू लिए हुए हैं जिसको छील के और इसको हाथ से हल्का सा मैश कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, गरम करते हैं इसको। जब घी गरम हो जाएगा मैं इसमें थोड़ा सा जीरा और 2 कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। हल्का सा फ्राई करते हैं। जब ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा मैं यहाँ पे 2 छोटे छोटे से कटे हुए 2 कटे हुए टमाटर मीडियम साइज, इसको हल्का सा फ्राई करते हैं। टमाटर जल्दी से पक जाए मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ, मिला देंगे इसको। कवर करके रख देते हैं 1 मिनट के लिए, देख लेते हैं इसको। टमाटर हल्के ही सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें जो हमारे पास 4 बॉयल आलू थे इनको मैंने हाथ से हल्का सा मैश कर लिया है, वो मिला देंगे। इसको मैं हल्का सा मैश कर ले रही हूँ। और अब मैं इसमें लगभग 2 कप पानी मिला दूंगी, मिक्स कर देते हैं। और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करूंगी। इसको हम देख लेते हैं, सब्जी जो है अच्छी सी बॉईल हो चुकी है। हमें ग्रेवी इसकी और ज्यादा थिक नहीं करनी है। अब मैं इसमें लगभग आधी टेबल स्पून ब्लैक पाउडर मिला दूंगी
और इसी के साथ ही साथ हरी धनिया मिला देते हैं इसको। तो ये सब्जी हमारी रेडी है, मैं इसको सर्व कर लूंगी, गैस बंद कर देती हूँ। ये हमारी गर्मा गर्म व्रत वाली सब्जी रेडी है, आप लोग घर पे जरूर ट्राई करिएगा और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसी लगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।